With General Darbir Singh Suhag leveling charges that V.K. Singh as Chief of Army Staff stopped his promotion, Aap's Raghav Chadha has said that it is about time that the PM intervened and spoke up on this matter. This, he said, was important because it involved a union minister. आजाद भारत के इतिहास में देखा गया कि सिटिंग आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल दलबीर सिंह अपने प्रीडिसेसर और केंद्र के एक मंत्री जनरल वीके सिंह के खिलाफ इतने सख्त आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दर्ज करते हैं और ये साफ तौर पर कहते हैं कि मैलाफाइड इंटेंट के चलते, एक मिस्टीरियस डिजाइन के चलते उनके ऊपर डिसिप्लिन और विजिलेंस बैन लगाया गया और उनकी प्रमोशन को किस प्रकार से जनरल वीके सिंह जब वे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उसको रोका। इससे कई गंभीर सवाल उत्पन्न होते हैं जो हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे कि वे सवालों को एड्रेस करें। आज यदि हर भारतवासी शांति चैन की नींद सोता है तो वो इसलिए सोता है क्योंकि जनरल दलबीर सिंह और उनकी सेना सरहदों पे हमारी रक्षा कर रही है। वो व्यक्ति कह रहा है कि जनरल वीके सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं वे मैलाफाइड इंटेंट के चलते मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, मेरे ऊपर फर्जी बैन लगा रहे थे, जिसका खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज कर उसका उनको क्लीन चिट दिया और कहा कि इस प्रकार के सारे आरोप बेबुनियाद थे। ऐसे व्यक्ति को माननीय नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बरखास्त।